रात जवान है विद रिस्पेक्ट टू, रात जवान बोला जाता है जब रात खत्म होने में बहुत टाइम हो, लाइक हमारी लाइफ की तरह। तो जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनकी रातें अक्सर जवान हुआ करती हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे अक्सर टाइम तक जागना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई द शो इज कॉल्ड रात जवान। मेरे लिए रात जवान है, ऐसा मोमेंट तो कोई आया नहीं है, बस दोस्तों के साथ रात जवान हुई है बहुत, और ऑफ कोर्स हस्बैंड के साथ। ये जो नए दोस्त मिले मुझे इस जर्नी में, इनके वजह से मेरी रातें बहुत जवान हुई है, सुबह 4-4 बजे तक। यू वेलकम। और रहते भी बहुत पार है। हाँ यार, मेरा सवाल आप दोनों से है, जैसे कि हम जानते हैं दोनों रियल लाइफ में भी पेरेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों में ये तो कितना चैलेंजिंग रहा, यू नो, एज अ पेरेंट की भूमिका निभाना और स्क्रीन पे दिखाना, यू नो, बहुत ज्यादा ही ना। मुझे लगता है कि मैं खुद एक माँ नहीं हूँ, पर मैं मासी हूँ, और मासी आधी माँ होती है, और मेरी भतीजी मुझे ऐसा बुलाती भी है कि तुम मेरी आधी माँ हो। तो मैंने बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, मैंने ये सब एक्सपीरियंस अनुभव, मैंने ये अनुभव लिया था मासी के तौर पर। मैंने मेरी भतीजी को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा करने में मेरी बहन की मदद की है पहले 3 साल, फिर वो जाके शिफ्ट हुई। तो मुझे वो एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे और 365 डेज बच्चे संभालना थोड़ा अलग ही है। यहाँ पे एक रिलीफ वो भी था, एक तो हमारे जो शो में बच्चे हैं उनके साथ उनके माँ बाप भी थे, वो सिर्फ बच्चे शॉट के लिए आते थे फिर चले जाते थे, और उनका बचपना खास तौर से वैसे ही प्रोटेक्ट किया गया है जैसे करना चाहिए शूटिंग के सेट पे, क्योंकि 2 साल के और 1 साल के 6 महीने के बच्चों को आप एक्टिंग नहीं करवा सकते, तो उनके लिए जो एनवायरनमेंट रखना चाहिए वो सेट पे हमेशा मेंटेन किया गया, और जितना टाइम बच्चों को बचपना करने के लिए देना चाहिए वो सारा टाइम बच्चों को दिया गया। मुझे मेरा जो बच्चा है खुशविक, वो बहुत ही क्यूट है, वो बहुत ही मस्तीखोर है, वो मुझे ताकी ताकी मम्मा बुलाता है, क्योंकि हमारा एक वो जो है हम करते हैं ताकि ताकि डांस करते हैं, तो उससे वो उस वजह से हम कनेक्ट हो पाए। तो मुझे लगता है कि उसके साथ शूट करना तो बहुत मज़ेदार था, लेकिन उसकी मस्ती देख के मुझे ऐसा लगता था कि भाई इसकी मम्मी इसके पीछे इतना दौड़ती है, कैसे ये बच्चा उसको दौड़ाता है पीछे पीछे पीछे। पर नया नया दौड़ना सीखा, नया नया चलना सीखा था, हर जगह बस दौड़ता रहता था। सो आई थिंक आई रिस्पेक्ट पेरेंट्स मोर when I see parents with kids, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हल्के में लेते हैं और बोलते हैं कि ये natural process है, हर कोई कर सकता है, हर किसी को आता है, लेकिन ये बहुत difficult job है। खुद की अपने खुद को ना खो के एक नई जिंदगी अच्छे से पाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और जो इस शो में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बोल दिया यार मैंने तो। बोल तो बोल, वो पेरेंट्स है भी नहीं। हाँ, इतना करके तो मैं माँ हूँ। मेरा वही सवाल है कि अब तक की शादी हुई तो अब नहीं, मेरी शादी को 13 साल हो गए यार। आप इसकी मासी की तरह बात क्यों कर रहे मैं जब प्रिपेयर होंगी, और अगर मैं प्रिपेयर हुई तो, अगर मैं नहीं प्रिपेयर हुई तो नहीं, अगर मैं प्रिपेयर हुई तो हाँ, पता नहीं। अंजलि, आपने कुछ नहीं बताया कि आपके लिए कितना चाहिए। ना मेरी शादी हुई है, ना मेरे बच्चे हैं। मैं ही एक बच्चा हूँ, बट मेरा एक कुत्ता है। तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस इन लोग बता रहे थे ना, बच्चों के, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर वरुण, जिनके भी बच्चे थे, सब चीज़ सेम है। इफ़ यू हैव अ डॉग, आई फील बहुत ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस है। देयर एक्सपेंसिव, देयर टाइम कंज्यूमिंग,
उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी भाग जाते हैं, बहुत मूडी होते हैं, उनकी सफाई धुलाई पिटाई सब करनी पड़ती है. और हाँ, तो आई थिंक मैंने तो वही एक चीज एक्सपीरियंस किया है जो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है. बट बच्चे बड़े होके उल्टा जवाब देते हैं, पर कुत्ते नहीं, कुत्ते नहीं. एंड हाँ, एंड अभी रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ, मेरे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गई थी, उसको अभी बेबी हुआ है, एंड मैंने उसकी बेबी का बहुत ध्यान रखा. तो आई विश मैंने वो शो के पहले किया होता. बट जो शो में मेरी बेबी है उसका नाम है जिया, उसकी मॉम और उसके उसका जो रिलेशनशिप है बहुत ब्यूटीफुल है. तो आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, मैं उसके लिए नकली मम्मा थी, वो असली मम्मा. तो इट वॉज जस्ट लाइक अभी आपको असली मम्मा के साथ रहना है, अब शॉर्टकट होगा उसके बाद आपको असली मम्मा सॉरी अभी आपको नकली मम्मा के साथ रहना है, फिर शॉर्टकट होगा असली मम्मा के पास जाना है. तो दैट वॉज द ओनली थिंग दैट वी हैड, एंड इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. खुश सेट था हमारा बच्चों की वजह से, एंड कोई यू नो हम बुरी बातें नहीं कर पा रहे कर सकते, कोई डांट नहीं सकता किसी को, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते बिकॉज बच्चे हैं सेट पे ऑल द टाइम. तो आई थिंक उस वजह से हमारा सेट बहुत ही पॉजिटिव रहा. पेरेंट्स ही नहीं, दोस्त भी दिखाए गए हैं. सो मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, चाइल्डहुड फ्रेंड जब बड़े होते हैं, एक पेरेंट्स बनते हैं, तो साथ में मिलना और टाइम स्पेंड करना कितना चैलेंजिंग होता है. इसलिए आप दोनों से एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी अबाउट द सीरीज. शादी नहीं होती ना, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. क्या सवाल था कि हाउ डिफिकल्ट इज इट गेट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स? फिर फंसेगी तो नाम मत ले. नहीं, मैं नाम अभी मैं होशियार अब तो हो गया. नहीं, मुझे नहीं लगता ये डिफ़िकल्ट है. अगर आप आपकी चाह है तो आप वो टाइम निकाल लेंगे यार. मैं तो निकाल लेती हूँ, मेरे दोस्त लोग भी बहुत बिजी है. मैं तो फिर भी एक्टर हूँ, कभी कभार ऐसे होता है कि दो दो तीन तीन महीने काम नहीं है तो मैं तो घर पे बैठी हूँ, वेली हूँ बहुत. तो मेरे पास तो 24 घंटे होते हैं फ्रेंड्स को देने के लिए, फिर वो जॉब कर रहे हैं इसलिए उनके पास टाइम नहीं है. पर जब भी दिल करे, जब भी लगे ज़रूरत है, फ़ोन कर लो, मिल लो, जो भी है. आई थिंक अगर दिल से कनेक्शन है तो वो बात बन ही जाती है. और मुझे लगता है कि वो रात जवाने में होता है हर रात. नो नो, दीस फ्रेंड्स आर वेरी लकी. अविनाश, सुमन एंड राधिका आर वेरी वेरी लकी टू बी इन द सेम विसिनिटी. ऐसा डिफिकल्ट इज इन द सेंस कि यार डिफिकल्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू यूज, बट थोड़ा कम तो हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स. पर वही बात है प्रिया वाली की यार, अगर मतलब दिल मिले हो तुम्हारे और तुम्हारी चाह हो मिलने की, तो आज के जमाने में किसी को भी टाइम निकालना, डजंट मैटर आप कितने फ्री हो, इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए कि हमारे पास नहीं है टाइम. मुझे आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, मैं तुझे अगले महीने की 4 तारीख को 3 बजे मिलूंगी बिकॉज मेरे पास सिर्फ 2 घंटे फ्री है. ऐसा हो जाता है यू नो समटाइम्स. बट प्रायोरिटीज अगर आपकी सेट है कि अगर आपको यहाँ इतने सारे लोग बुला रहे हैं पर नहीं, मुझे उस एक इंसान से मिलके जितना ना, तो जैसे आज आने नहीं वाला थे इस किन में पूरे मीडिया जंकेट के लिए. अच्छा, इट सेज देखो आपके बारे में क्या सोचते हैं इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं कि हाँ, प्रायोरिटीज राइट, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. एंड एज लॉन्ग एज यू फील लाइक अ प्रायोरिटी इन देयर लाइफ, आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी. एंड इफ यू फील लव बाय योर फ्रेंड्स, आई थिंक उससे बेटर फीलिंग जिंदगी में कोई नहीं है. तो आप वो कैसे दिखा सकती हो, उनको प्रायोरिटाइज करके कि दुनिया के भाड़ में मैं तुझे मिल रही हूँ आज, आई डोंट केयर, यू नो इट्स लाइक दैट. कभी कभी एक दूसरे की बेइज्जती करके भी हो सकती है. कभी कभी नहीं, हमेशा सिर्फ जितनी बेइज्जती उतना प्यार. हाँ हाँ, यार हमारा शो है राज जवान है, 11 अक्टूबर को आ रहा है सोनी लिव पे. यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप देखोगे नहीं तो आप मिस आउट कर जाओगे, बिकॉज वो बहुत यूजुअली मैं इंटेंस स्टफ करता हूँ. पर डू दिस फॉर योरसेल्फ, यू वांट यू सेड समथिंग, टेक योर हार्ट टू वॉच दिस शो, वॉच इट विद योर फैमिलीज, नॉट विद किड्स. Yeah, watch it with your friends, you'll have a great time. Kids will get
ट्रॉमा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट बट किड के साथ मत देखना क्योंकि जो ट्रेलर में है वो बहुत ही स्वीट है उसके बाद जो यू नो रियल आगे तक बातें कैन आई यूज द वर्ड इट्स बकचोदी यू नो दैट दैट जो होती है ना फ्रेंड्स के बीच में ये शो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखो जो नाइट आउट करना रात आपकी जवान करना हर रात मिलना और एक एपिसोड देखना मतलब यू विल अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ द शो बट द मेन थिंग इज यू हैव फन इट्स अ फन शो थैंक यू राज जवान है ऑन सोनी लिव फ्रॉम 11th ऑफ अक्टूबर अभी तो बोला था मैं फोटो है ना भाई साहब थैंक यू।